सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज फिर से रास्ते पे शूट कर रहे थे, इंट्रो आप लोगों ने देखा था, मतलब कैसे हम रेडी हो रहे थे जल्दी जल्दी में। इसीलिए एक्चुअली हम जा रहे हैं, हमारी चाचा का बेटा कज़िन का हल्दी है आज, तो वहाँ पे जा रहे हैं। मम्मी भाभी कोई नहीं जा रहा, बस मैं और दीदी जा रही हूँ, वो लोग बाद में आएंगे शायद, तो हम बस जाके देख के आएंगे। ओके चलो। और रेडी होते होते आप लोगों से थोड़ी बात भी कर लूँ। तो गाइस, मैंने सोचा कि मैं आज से मतलब व्लॉग में थोड़ी इंग्लिश भी यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो इम्प्रूव नहीं होगा ना, इसीलिए। और जब बेंगलोर में थी तो वहाँ पे इंग्लिश यूज़ कर रही थी, बट घर आके इंग्लिश यूज़ भी नहीं कर रही थी और मैं सब भूल भी रही थी, इसीलिए मुझे ये है हमारी आउटफिट। देखो इसको, कितने चुपचाप जा रहे हैं। इसका ड्रेस देखो कितने क्यूट है। और हम अंकल के घर पहुंच गए, और यहाँ पे मेरे मतलब कज़िन सिस्टर मेरी एक भतीजी को मेहंदी लगा के दे रही थी। वो बच्चा है, मतलब बच्चे को तो पता ही है शादी में, और ये सारे लोग आए थे यहाँ पे, मतलब भाभी और पता नहीं कौन कौन, मैं खुद नहीं जानती। फिर मतलब मेरे अंकल के घर के पास ही एक स्कूल था, वहाँ पे देखो बच्चे खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, इसलिए मैं अभी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो गाइस, हम दोनों यहाँ पे मार्केट जा रहे थे, मतलब उसने ब्लाउज ठीक करवाने के लिए दिया था, इतना ज़्यादा ख़राब बनाया, मुझे देख के इतना हंसी आया। फिर वही अल्टर कराने हम लोग जा रहे हैं। एंड हम पहुँच गए टेलर की दुकान पे, फिर हम खाए पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े विथ टी। अभी चाय आ रही है। यही चाय सिर्फ 5 रुपये यहाँ पे चाय। और गाइस, हम बाज़ार से आते हैं तो यहाँ पे मतलब जो दूल्हा था उसका नहाना हो गया, इसलिए मैं मतलब शूट नहीं कर पाई। फिर मैं वापस आई थी क्योंकि मुझे मतलब शादी के साथ जाना था, तो इसलिए ऐसे मैं वैसे में वापस आई, मैं कपड़े लेकर घर वापस आ गई। अभी हम जा रहे हैं लड़की वाले के घर में। इस रात को हम जा रहे हैं लड़की वाले के घर में। ये मेरी फूफू का बेटी, ये मेरी चाचा की बेटी, और मैं हूँ। और अंधेरा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं फ्लैश ऑन करके ऐसे दिख रहा है। तो ये है लड़के वाले की कार जो जा रहे हैं, देखो देखो। फिर यहाँ पे भी कार, पीछे और भी आ रहे हैं, और हम लोग जाएंगे बस में। और हम तो बस में बैठ गए, बट बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मेरे बैक कैमरा पे और फ्लैश ऑन किया, इसलिए मेरी आँखों के नीचे देखो कैसा हो गया। और हम लड़की वाले के घर में पहुँच गए, इसलिए मैं बात नहीं कर रही थी, वहाँ पे इतने ज़्यादा क्राउड था। ये रही दुल्हन, मतलब मैं वीडियो भी नहीं ले पा रही थी, इतना ज़्यादा क्राउड। चाय ले रहे थे यहाँ पे, मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ मुझे कब मिलेगा, भिखारी की तरह दोनों को खाली कप मिल गए। अभी हम चाय के लिए वेट कर रहे हैं, वहाँ पे है पीछे। अब हम दोनों प्रिपेयर हो रहे हैं चाय के लिए, और पीछे दे रहे हैं पता नहीं गाइस, हमें देखे क्या क्या बोल रहे हैं। मेरा फोटो सेट ही अच्छा नहीं आया, जिस दिन भी मैं सर सर के आती हूँ मेरी फोटो अच्छे नहीं आते। अभी हम खाना खाएंगे, और ये बेबी मुझे बहुत क्यूट लगा, मतलब क्यूट क्यूट हरकतें कर रही थी, इसलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया। और हमारे यहाँ रूल है दुल्हा और दुल्हन को पार्टी में बिठाना, इसलिए नीचे बैठे हैं। सो गाइस, अभी हम फिर से जा रहे हैं, आज लड़के के घर में पार्टी है। अरिश, तुम कहाँ जा रहे हो? अरिश कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो तुम? बोलो 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 बोलो। अरिश को पूछने पर कुछ नहीं बोलता, दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे कपड़े को क्या, कपड़े के साथ क्या कर रहे हो? मैं कपड़े को नहीं कर रहा हूँ। मेरा कपड़ा नहीं, मेरे कपड़े खराब मत करो। कर रहे हो, छोड़ दो मेरे कपड़े। ये देखो गाइस क्या कर रहे हैं आरिश, छोड़ दो मेरे कपड़े। बेबी तुम यहाँ नहीं बैठ सकते? क्यों? तुम्हारे साथ ही बैठे। ओ देश चलाओ, ओ देश चलाओ, ओ देश चलाओ।
अरे नहीं 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 आज लड़के वालों के घर में पार्टी है और हम आए और हमारे घर वाले मतलब भाभी और इश मम्मी आज ही आए, मैं तो कल ही आई थी। तो गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो को, ताकि मतलब यूट्यूब वाले मेरे रीच बढ़ा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टेक केयर।